Students, how are you all at home? Hope you all are healthy and happy at home and studying well. So today we will continue lesson 5 in the EVS subject. Lesson number 5 is exercises and recreation. First of all, we have to understand the name, the title of the lesson, exercises and recreation. What is exercise and what is recreation? Both are different things and very important in our day-to-day life. सबसे पहले हमें उसका टाइटल समझना है और जो हार्ड वर्ड्स में मैंने इंक्लूड किया है और उसके बाद हम लोग आगे पॉइंट समझें. सो लेट अस स्टार्ट. हार्ड वर्ड्स एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है जिसमें हमें हमारे बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज एक्सरसाइजेस. रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ऑल द थिंग्स टू डू वी नीड अवर बॉडी. इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें हमारी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज. देन रिक्रिएशन. रिक्रिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. रिक्रिएशन मतलब ये कि कुछ करने के बाद, ऐसा कुछ करने के बाद जो हमें फ्रेश फील होता है. मतलब कि अगर आपको ड्राइंग पसंद है और आपने ड्राइंग किया है तो उसका मतलब ये है कि ड्राइंग इज अ रिक्रिएशन फॉर यू. वो करने के बाद आपको खुशी मिलती है, अच्छा महसूस होता है, आप फ्रेश फील करते हो, आप बेटर फील करते हो. दैट इज रिक्रिएशन. ऐसा कुछ करने के बाद जिससे आपकी आपको आपके माइंड को फ्रेश फील होता है, दैट इज रिक्रिएशन. देन वीकेंड्स. वी नो द वीकडेज. मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे हमें वीकडेज पता है, बट वीकेंड इंक्लूड सैटरडे एंड संडे ओनली. जब हम वीकेंड्स के बारे में बात करते हैं तो वो उसमें से दो दिन इंक्लूड होते हैं एंड दे आर सैटरडे एंड संडे ओनली. देन रिलैक्स. रिलैक्स मतलब अच्छा लगना, बेटर फील करना. दैट इज रिलैक्स. देन रिफ्रेश. रिफ्रेश इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिक्रिएशन. रिलैक्स एंड रिफ्रेश बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डे टू डे लाइफ. अगर आप बोर हो जाओगे, रिलैक्स नहीं रहोगे, रिफ्रेश नहीं रहोगे, कुछ अच्छा करने का आपको मन नहीं करेगा, तो आपके दिमाग में नए विचार आएंगे नहीं. इसीलिए रिक्रिएशन, रिलैक्स एंड रिफ्रेश, थ्री आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन हॉबी. हॉबी यानी हमारा शौक. हमें जो भी करना पसंद है, जिससे हमें अच्छा लगता है, दैट इज अवर हॉबी, हमारा शौक. देन ओकेजन्स. ओकेजन्स यानी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डेज जिस टाइम पे हम लोग हमारे रिलेटिव्स वगैरह को मिलते हैं. जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी में, या तो किसी के वेडिंग पे, या कोई एंगेजमेंट पे, या कोई इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पे, न्यू ईयर पे, वो सब स्पेशल ओकेजन्स हैं जिस टाइम पे हम लोग हमारे रिलेटिव्स को मिल सकते हैं. देन आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स यानी ऐसे गेम्स जिसको खेलने के लिए हमें प्लेग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है. एंड देन इंडोर गेम्स. इंडोर गेम्स यानी ऐसे गेम्स जिसको हम एक रूम में बैठ के खेल सकते हैं, जैसे कि कैरम है, चेस है, टेबल टेनिस है, उन सबको हम एक रूम में बैठ के खेल सकते हैं. लेकिन क्रिकेट, वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन वन रूम, वी नीड प्लेग्राउंड. क्रिकेट खेलने के लिए हमें प्लेग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है. सो आउटडोर गेम्स जिसमें प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाना पड़ता है, एंड इंडोर गेम्स यानी जिसको एक रूम में बैठ के हम खेल सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड एंड ओवरव्यू द लेसन बाय सम पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइजेस. मैंने आपको जैसे लेसन में समझाया कि एक्सरसाइज में फिजिकल बॉडी को इंक्लूड करना पड़ता है. अगर आप साइकिलिंग करते हो तो आप बैठे बैठे नहीं कर सकते, एक जगह रुक के नहीं कर सकते, आपको अपनी बॉडी को वर्क करना पड़ता है. पैर हिलाने पड़ते हैं,
गवंडर को पकड़ के रखना पड़ता है, तो जो एक्टिविटी में फिजिकली हमें इंडल्ज होना पड़ता है, ऑल दैट एक्टिविटीज आर एक्सरसाइजेस फॉर अस। देन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मैंने आपको बोला कि एक्सरसाइज में अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूर्य नमस्कार करो या फिजिकल कोई एक्सरसाइज करो, पुलअप्स करो, दे आर एक्सरसाइज, बट अदर एक्टिविटीज वी कैन डू। सो दे द एक्टिविटीज आर स्विमिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डांसिंग ऑल्सो। ऑल दीज एक्टिविटीज आर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हम एक्सरसाइज के अलावा भी कर सकते हैं। स्विमिंग में भी हमें फिजिकली इंडल्ज होना पड़ता है, उसके बाद प्लेइंग फ्रेंड्स के साथ अगर आप खेलते हैं तो उसमें भी आपको इंडल्ज होना पड़ता है, उसके अलावा आप डांसिंग करते हो तो उसमें भी आपको फिजिकली इंडल्ज होना पड़ता है। देन रिक्रिएशन, मैंने बोला आपको ड्राइंग का मैंने एग्जांपल दिया हार्डवर्क समझाते वक्त कि रिक्रिएशन यानी कुछ ऐसा करना जिससे हमें कुछ फ्रेश फील हो, कुछ अच्छा फील हो। अगर आपको फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है दैट इज रिक्रिएशन फॉर यू ऑल्सो। अगर आपको जो भी करने में मजा आता है, अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हो, ऑल दैट एक्टिविटीज आर रिक्रिएशन फॉर यू। देन हॉबी, हॉबी यानी हमारे शौक। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को गेम्स खेलना पसंद है, किसी को डांसिंग, किसी को स्विमिंग, किसी को रीडिंग पसंद है, रीड करके अच्छा लगता है, कुछ नया जानने का शौक होता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूड इन द हॉबी। हॉबी वो है जिसको करके हमें अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन लाइन बाय लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to understand the activity that is given on the page number 159. Activity: tick write the ones you do to relax and refresh yourself. Here you have to tick write in the box through which you feel relaxed and refresh. यहाँ पे हमें 3 activities दी हुई है जिसमें से आप कौन सी एक्टिविटी करने से अच्छा फील करते हो, या तो आपको अच्छा लगता है, आप रिलैक्स एंड रिफ्रेश फील करते हो, उस बॉक्स में आपको टिक करना है। फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे टू गर्ल्स आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड। यहाँ पे स्लाइड पे दो लड़कियाँ खेल रही है, यानी अगर आपको खेलने में मज़ा आता है, खेलने के बाद आप रिलैक्स एंड रिफ्रेश फील करते हो, तो इस बॉक्स में आपको टिक करना है। पिक्चर नंबर 2, स्विमिंग, द बॉय इज स्विमिंग इन द वाटर। पानी में एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है, तो अगर आपको स्विमिंग अच्छा लगता है, उससे आप रिलैक्स एंड रिफ्रेश फील करते हो, तो आपको पिक्चर 2 के बॉक्स में राइट करना है। Then picture number 3. The girl is writing in her notebook. एक लड़की है, वो अपना होमवर्क कर रही है, लिख रही है कुछ। तो आपको लिखने में मज़ा आता है, then you can tick write in the picture number 3. अगर आप तीनों करते हो और तीनों करने से आपको अच्छा लगता है, तीनों एक्टिविटी करने से अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपको तीनों में भी टिक कर सकते हो। लेट अस सी द लेसन। रिया प्लेज विथ हर फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। रिया जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ हर रोज शाम को खेलती है। ड्यूरिंग वीकेंड्स शी गोज फॉर डांस क्लासेस। वीकेंड्स मैंने आपको आगे समझाया था ना कि वीकेंड्स यानी सैटरडे एंड संडे ओनली, उसमें सिर्फ 2 डेज ही इंक्लूड होते हैं। तो वीकेंड्स के टाइम पे रिया डांस क्लास जाती है। राहुल प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स। राहुल भी अपने फ्रेंड के साथ खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट और फुटबॉल। वो क्रिकेट और फुटबॉल, या तो क्रिकेट खेलता है या वो फुटबॉल खेलता है। He goes for swimming with his father during weekends.
राहुल जो है वो वीकेंड्स पे अपने पापा के साथ स्विमिंग के लिए जाता है। स्विमिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट आर गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। स्विमिंग करना, डांसिंग करना, गेम्स खेलना जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, वो सारे गेम्स एक्सरसाइज का अच्छा फॉर्म है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर सेल्व्स। हमें हम अपने आप को रिलैक्स एंड रिफ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर सेल्व्स, क्यों ज़रूरी है? लेट अस सी। वी फील रिफ्रेश्ड व्हेन वी डू थिंग्स विच वी एन्जॉय। हमें जिस चीज़ को करने में, को जो गेम है या तो फिर डांसिंग है, स्विमिंग है, हमें जो इन चीज़ों में से हमें जो भी करना पसंद है, अगर वो हम करेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, रिफ्रेश एंड रिलैक्स फील करेंगे। हम जो चीज़ एन्जॉय करते हैं उसको हमें करना चाहिए। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 160। लेट अस अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। ऐसी गेम्स जो घर के बाहर खेली जाती हैं जैसे कि क्रिकेट एंड फुटबॉल, ऐसी गेम्स को आउटडोर गेम्स बोलते हैं। द वर्ड इट सेल्फ शोज अस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये जो वर्ड है आउटडोर गेम्स, वो अपने आप ही हमें इसका मतलब समझाता है। आउटडोर, आउट यानी बाहर, और डोर यानी घर के या दरवाजे के बाहर। दरवाजे के बाहर यानी कि घर के बाहर जो गेम्स खेली जाती हैं, दे ऑल आर आउटडोर गेम्स। गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस लाइक चेस, कैरम एंड लूडो आर कॉल्ड इनडोर गेम्स। ऐसी गेम्स जो घर के अंदर रह के भी हम लोग खेल सकते हैं, ऐसी गेम्स को इनडोर गेम्स कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स दैट आर गिवन अबो द पैराग्राफ। द पिक्चर वन इज, पिक्चर वन शोज अस दैट द गर्ल इज साइकिलिंग। मतलब हम लोग घर में साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं, साइकिलिंग करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। सो साइकिलिंग इज अ आउटडोर गेम। नाउ पिक्चर नंबर सेकेंड, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। नाउ यू कैन सी दैट द गर्ल इज सिटिंग इन वन रूम एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि कंप्यूटर गेम्स आर इनडोर गेम्स, जिसको हम एक रूम में बैठ के, एक जगह पे बैठ के खेल सकते हैं। इसके लिए हमें कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ती है। रीड टू नो। इट इज़ बेटर टू प्ले आउटडोर गेम्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी और प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड डू इज़ आउटडोर गेम्स। हमें आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, ना कि घर पे बैठ के टीवी देखना चाहिए और कंप्यूटर पे गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि आउटडोर गेम्स खेलने से हमारी बॉडी को अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमारी बॉडी के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। हम जो बाहर गेम्स खेलते हैं उसमें हमें हमारी बॉडी को इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए वो एक अच्छा रिफ्रेश एंड रिलैक्स का फॉर्म है। ट्रेंड एमसीक्यू, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। स्विमिंग एंड डांसिंग आर गुड फॉर्म्स ऑफ डैश। स्विमिंग एंड डांसिंग जो है वो किसके अच्छे फॉर्म है, किसके अच्छे प्रकार है? ए फूड, बी स्टडी, सी एक्सरसाइज। वी नो द राइट आंसर एक्सरसाइज, क्योंकि हमने आगे समझा कि स्विमिंग एंड डांसिंग जो है वो एक्सरसाइज के अच्छे फॉर्म है। सो द राइट आंसर इज सी एक्सरसाइज। टिक राइट इन द बॉक्स ऑफ सी। टू, हाउ डू वी फील व्हेन वी डू थिंग्स विच गिव अस जॉय। हमें जो चीज़ में मज़ा आता है, जो चीज़ करने से हमें अच्छा लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिफ्रेश्ड, बी अनहेल्दी, सी बोर। वी नो दैट कि हमें
जो करने में मज़ा आता है उसके बाद हम कैसा फील करते हैं, रिफ्रेश्ड। यानी अगर आपको साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, वो सब करने के बाद आप रिफ्रेश फील करते हो। सो द राइट आंसर इज ए, रिफ्रेश्ड। टिक राइट इन द बॉक्स। नाउ लेट अस सी सेकेंड पैराग्राफ दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 160। At times, we read a book, listen to music, or even watch television to refresh ourselves. This is called recreation. जिस टाइम पे हम लोग या तो बुक्स रीड करते हैं, या म्यूजिक लिसन करते हैं, या तो फिर टेलीविजन देखते हैं, all these things that we do is called recreation. उसे क्या बोलते हैं? Recreation बोलते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें करने में हमें मज़ा आता है। स्पेंडिंग टाइम विथ द फैमिली इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। सबसे अच्छा अगर कोई रिक्रिएशन का फॉर्म है तो वो फैमिली के साथ टाइम बिताना है। फैमिली गेट टुगेदर्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल ओकेजन्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। फैमिली गेट टुगेदर्स यानी सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह इकट्ठा होकर स्मॉल पार्टी करते हैं, या तो कुछ स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दे ऑल आर फैमिली गेट टुगेदर्स यानी स्मॉल पार्टी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है और वो रिक्रिएशन का एक अच्छा तरीका है। हॉबी इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। हॉबी जो है एक अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और एक अच्छा रिक्रिएशन का टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड कलेक्टिंग कॉइन्स और स्टैम्प्स। अगर किसी को सिंगिंग पसंद है, गाने का शौक है, तो वो गा सकते हैं। डांस का शौक है तो वो डांस ज्वाइन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। स्टैम्प यानी हम लोग जो लेटर्स पे टिकट चिपकाते हैं, टिकट को चिपकाते हैं, दे आर स्टैम्प्स। और कॉइन्स, कॉइन्स यानी जो सिक्के आते हैं, वो उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज आर गुड फॉर अवर बॉडी एंड माइंड। रिक्रिएशन और जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और रिक्रिएशन हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है। In today's busy world, one must take out time for recreation. आज का हमें टाइम पता है, सुबह उठते हैं, रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम हमारे काम में इतने बिजी रहते हैं कि सुबह से शाम हम लोग हमारे लिए बहुत कम टाइम निकालते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने लिए इवन आधा घंटा या एक घंटा भी निकाल सको तो दैट इज़ गुड फॉर योर body and good for your mind also.